और मैं अपना यूट्यूब मतलब ये कंपटीशन के बाद का ब्लॉग है, मैं बस कंपटीशन जीत के आया हूँ। यहाँ सर्टिफिकेट रखा हुआ है, ठीक है, मेडल इसके अंदर है। और एज यूजुअल बैंगलोर का मेरा सबसे बेस्ट प्लेस है बर्गर खाने का, तो ट्रिपल्स करके यहाँ पर आया हूँ। बहुत भीड़ है, देख सकते हो यहाँ पे। अभी मेन्यू कार्ड ऐसा मिलता नहीं है, आपको बस ये बार कोड स्कैन करना है। भाई अभी कर रहा है, बर्गर मंगाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। अगर बैंगलोर में कहीं और पता है कि इससे अच्छा बर्गर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आफ्टर अचीविंग दिस वर्थ इट है, बट कल से वापस अपन ग्राइंड करेंगे, ये फिनिश करते हैं। मैंने अमेरिकन लार्ज एक्सेल मंगाया है बर्गर, एंड ये कुछ 300 कैलोरीज का होगा। ये कंप्लीट करते हैं फिर कल से बर्न करते हैं। ये वेज बैंगलोर का सेकंड डे और फिजिक अपडेट देख लो, कंपटीशन के बाद का दिन है ये, सही लग रहा है बॉडी। और अभी जाने वाला हूँ मैं एक्चुअली जिम, तो यहाँ पे कल्ट फिट है, कल्ट फिटनेस, अब पता होगा कल्ट आपको, जो ऋतिक रोशन का ब्रांड है। तो मैंने फ्री ट्रायल अपने ऐप से एक डाउनलोड किया है और वो ऐप में देखा तो कुछ 4 बजे का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 4 बजने में, 15 मिनट बचे हुए, बहुत सामने हैं, 3 किलोमीटर दूर है। तो फटाफट यहाँ से चलते हैं फिर दिखाते हैं। आज मंडे है और मेरा प्लान नहीं है कब मैं वापस जाऊँगा, 2-3 दिन और हूँ यहाँ पे बैंगलोर में। तो मंडे है तो प्रॉब्ली आपको पता रहेगा मंडे में क्या है, स्क्वाट्स करना रहेगा। बट अब से मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग में चेंजेस लाऊंगा, वो आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में दिखाऊंगा, क्योंकि ये बैंगलोर का ब्लॉग है तो इसको थोड़ा सा फन वाला ब्लॉग बनाते हैं। चलते हैं फटाफट, आपको दिखाते हैं जिम कैसा रहता है और उसके बाद का प्लान क्या होता है। ये देखो चल गए घर से, चले जिम, ऑटो आ गया है और देखते हैं स्क्वाट एंड बेंच कैसा होता है। ये देखो क्या चाहिए, चलो हो चुका है। और ये है कुछ ऐसा वॉशरूम इसका बढ़िया सा, तो डेडलिफ्ट नहीं कर सकते हैं, डेडलिफ्ट करना भी नहीं था, स्क्वाट बेंच कर सकता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, चेंज करते हैं ये लॉकर रूम में, ठीक है, चेंज करते हैं फिर नीचे मिलते हैं आपको। सो गाइस मिलो स्नेहा से, हेलो। ये देखो मेरे को देख लो, मुझे पहले अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो, बहुत लोग देख, बहुत खास दोस्त लेकिन ये हमसे मिलते नहीं है, मैं बहुत बड़ा कंपनी में हूं। और ये क्या लिखा है उसमें, WPC नेशनल बैंगलोर 2023। एक्सपेक्ट था कि मैं जीतूंगा ऑब्वियसली, हां मैं भी आजकल नॉर्मल हो गया। सो गाइस अभी जिम से घर आ गया हूँ और स्नेहा बहुत बिजी रहती है आजकल, शूट चलते रहता है इसका। फिर भी टाइम निकाल के मैं आई हूँ, ठीक है, ठीक है, मेरी तारीफ करो। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ टीम सुंदर है, सुंदर की तारीफ है, क्वालिटी बताओ यार, हम्बल है, ध्यान रखती है हर समय, और जब बोलता हूँ तो मिलती है। हाँ, बहुत कुछ भी हो जाए मिलती हूँ, वेरी हार्ड वर्किंग। और मैं अभी इसको बोलने वाला हूँ कि भाई अपना YouTube वीडियो चैनल स्टार्ट करने, तो अगर तुमको लगता है कि चीज कैपेबल तो भाई मोटिवेट कर दो कमेंट में, और अभी हम लोग जाएंगे तो फिर दिखाएंगे आगे। ठीक है चलो, 10 इसमें भी नहीं होता, इसमें है ना सिनेमैटिक। अच्छा हाँ, सो गाइज मैंने बोला है स्नेहा को कि ब्लॉगिंग करने के लिए, ये दोबारा बोल रहे हो तुम, तो ये मेरा चैनल है। अच्छा सॉरी सॉरी, हां कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये फोन है उसका, तो दुबे से अभी सेट कर दे रहा है, अभी इसका चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके सब्सक्राइब कर देना स्नेहा को एंड मोटिवेट कर देना कि भाई डेली ब्लॉग डालेगी प्लीज। मैं तो आया हूँ 1-2 दिन के लिए, मैं इसको बस ऑन करके चल जाऊंगा यूट्यूब पे, अब उसके बाद ये चालू रहेगी वैसे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अभी दिखाते हैं सीन क्या है, तो भाई वैसे स्मार्ट लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। हम स्किन केयर करके इनका चमक रहा है, ये साबुन लगा के निकले नहीं भाई साबुन नहीं लगाते हम लोग, पानी लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। जिम करो, बॉडी बनाओ, स्मार्ट रहो, दिमाग से रहना मत भूलना। हाँ दिमाग से, मैं नहीं हूँ क्या। बाय। सो गाइस अभी हम लोग क्लब जा रहे हैं, पहले खाना खा रहे हैं। हाँ पहले खाना खाने जा रहे हैं, प्रायोरिटीज। हाँ पहले मैं जिम करके आया हूँ तो पहले खाना खाते हैं, एंड स्नेहा को भूख लग रहा है चलते हैं। हाँ बिना खाने के पागल।
वो पागलपन नहीं दिखाएंगे आपको। चलते हैं पहले खाना खाते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। मुझे घर का खाना खाने का मन है, चावल दाल ऐसा कुछ भी। और उसके बाद हाँ उसके बाद क्या होगा आपको बाद में बताएंगे, गेस करो ठीक है। क्या बोल रही हो बताओ? चलो भाई मैं बैंगलोर में नहीं रहता हूँ, ये लेके जा रही है तो भाई हम खा के बताएंगे ना तुमको कैसा कैसा होगा। अभी क्यों बोल रही हो? अरे वही बोल रहा हूँ खाना खाने जा रहा हूँ। लाइक हमारा जोक बन गया है जब से वो छोड़ के गई है। चलो गाइस अब खाना खाते हैं। तो गाइस आ गए कुरमंगला, ये देखो बैंगलोर का क्या है पार्टी हब, क्या बोल सकते हो उसको, क्या खा रही हो? मैं बोली ना मैं पागल हो जाऊंगी। इग्नोर कर रहा तुमको पहली बार तो है तुम्हारा सोच सकते तुम्हारा। So guys, ये फोन नया खरीदी है अपना, तो ये बैग में डाल के रखती है, निकालती ही नहीं है क्योंकि मैं हर चीज घुमा देती हूँ। ये है बहुत महंगा फोन, पहली बार। खाने तक रुक जाओ, कौन सा अच्छा है तो वो दो। ये क्या है भाई? दाल है। अच्छा दाल है, पेट भरा? ये क्या मन भर गया, भर गया सब भर गया, भारी अच्छा रहा है ना। देख लो भाई सब उसका ही है, मेरा नहीं है कुछ। तो गाइस एक क्लब से निकल के दूसरे क्लब में जा रहे हैं बिकॉज बताओ एक क्लब से भाग के दूसरे क्लब में क्यों जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसको बार हॉपिंग कहते हैं। अच्छा हर एक क्लब का मजा नहीं है, आज हमारा दिन है। क्लब से निकल गए और जा रहे हैं, ये हमारे डांसर जो एम्बैरेंस कर दी सबके सामने, इतना अच्छा अच्छा स्टेप करके। ओह गॉड कितना मस्त डांस किए हैं। हाँ फील के साथ पूरा, अभी आप देखेंगे मैं तो अपना क्लिप डालूंगा ही नहीं, जाती हो रही हमारे साथ। तेरे साथ तेरा डालूंगा सिर्फ, लेकिन बहुत मजा आया। अब मिलेंगे वापस धनबाद में ठीक है। तो गाइस अभी जाना है घर, कैब बुक करना है, चलते हैं। तुम अपना ब्लॉग एंड करो, चलो तब तक मैं देखूंगा। लो बाकी गाइज आपको पता नहीं है कि हम एक दूसरे को पार्टनर बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं बता दो यार तुम्हें। नहीं बताओ क्यों बुलाते हैं, मतलब वो वाला पार्टनर नहीं बट वो बॉन्ड जो हम लोग 5 साल से, ये पहले दोस्त थे मेरे कॉलेज में जो धनबाद से थे और मेरे को पता ही नहीं था। हाँ। वो मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड थे और मेरे को पता ही नहीं था कि ये धनबाद से। मैं ये क्या बोल रही है, बोलना तू। हाँ ठीक है। हाँ। तो जो मेरा फ्रेंड था उसके ये फ्रेंड थे और फिर से बोल रहे हैं इज्जत नहीं देना भाई, जो सच है वो बोल, जैसे गाली देके बात करती है। हाँ फिर उसके बाद जो भी है। हाँ। तो मेरे को पता ही नहीं, मैं एक साल से बात नहीं की थी उनसे, फिर हमने बात किया, मेरे को पता चला कि धनबाद से। तो फिर जो हमारी बॉन्डिंग इंस्टेंट हुई ऐसे चुटकी में, अभी भी सेम है भाई, अभी भी सेम है वैसे ही है, वैसे ही बकचोदी करते हैं। हाँ। बकचोदी करते हैं, ये ब्लॉग में बकचोदी ही है। अच्छा चलो भाई फिर तुम लोग फिर गंदा कमेंट मत करना, बस दोस्त है ठीक है। गंदा कमेंट मतलब लोग कुछ भी बोलने लगते हैं ऐसा मत समझो, दूर दूर तक नहीं है ठीक है। ये बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी दो अच्छे दोस्त हैं ठीक है, एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, लेकिन भाई लड़की से दोस्ती रखो। मैं अभी क्लब में गया, दो दो क्लब में गया, एक रुपए देने नहीं पड़े बिकॉज ये साथ में थी, तो ऐसा होना चाहिए ठीक है। चलो मैं कैब ले आया, यही है भैया 3923। हाँ जाओ।
सो गाइस 12:30 हो रहा है और अभी कैब और ऑटो नहीं मिल रहा था तो मैंने भैया को बुक किया है। ये भी अभी कितना देर दिखा रहा है अभी, और 6 मिनट तो भैया के साथ यहाँ पे क्या होता है, आप स्कूटी बाइक भी बुक कर सकते हो ऑनलाइन, नहीं और भी सही है, ट्रैफिक के टाइम पे बहुत हेल्प होता है। बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग पार्ट टाइम करते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो भैया एक दिन में कितना हो जाता अर्निंग, अगर अच्छा रहा 10 ट्रिप मिला तो 500 से 600 रुपये। अच्छा, पेट्रोल का पैसा छोड़ के प्रॉफिट वो मिला के तो प्रॉफिट कितना, 400 रुपये प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा होता, लॉन्ग लॉन्ग जाएंगे तो ज़्यादा होता। अच्छा लॉन्ग गया तो, तो भाई लॉन्ग गया तो 1000 रुपये, शॉर्ट गया तो 500-600 रुपये। पूरा बड़ा बड़ा भाड़ा मरा तो 1000 रुपया हो जाता है। अच्छा 300 रुपये का पेट्रोल मिला। अच्छा लेकिन ठीक है ना, पार्ट टाइम में भी आपको अपना मिल जा रहा है काम करने को, किसी का अंदर काम नहीं करना है, अपना घर क्या, बस वो थोड़ा ऑटो ऑटो वाला लोग का है, वो लोग तो टेंशन झेलना पड़ेगा। अभी क्या होता है तो ज़्यादा है ना, हाँ घर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बाइक में बुक बुकिंग हो रहा है तो ऑटो वाले लोग झगड़ा करने लगते हैं कि ये तो मेरा अर्निंग ले ले रहे हो, बट सबको काम करना है, सबको कमाना है, सोचना चाहिए। चलो अभी रूम फटाफट। अब सो गाइस आ गए हैं घर और अब चलते हैं रेस्ट करने के लिए, कल एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शूट नहीं है, एक जिम का आपको आपके लिए एक वीडियो बनाना है, तो वहाँ चलते हैं, पहले मिलते हैं रूममेट से, देखना है कहाँ है। सो गाइस ये तो सो गया था भाई, 15 मिनट बाद मेरा गेट खोला है। सो गाइस अब टाइम हो गया रेस्ट करने का, कल एक इम्पॉर्टेंट शूट है आप लोगों के लिए, एक जिम का टूर का, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे बहुत बढ़िया था, तो वो वीडियो इसके बाद आएगा, तो देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, गुड नाइट। थोड़ा इन्जॉय कर लेना चाहिए गाइस, आज मैं थोड़ा इन्जॉय करने गया था, गया घूमा फिरा आ गया, तो कॉम्पिटिशन तक प्रेप किया था, थोड़ा सा चलता है एंड फिर तो मालूम है आपको, पुणे जाके ट्रेनिंग करना है। लेट्स गो, बाय बाय।